बड़ी यूनिटी बनानी होगी और इन बात हजार से कम नहीं, अरे 1000 में दस नहीं। मोदी जी लेकिन रसोइयों के सवाल पर चुप भी सहल गए हैं। हम यहाँ बताने आए हैं कि इसका आज हम लोग को दिल्ली में इसलिए आना पड़ा कि रसोईया का सरकार के नज़रिए में कोई कीमत ही नहीं है। बिहार सरकार की ओर से 750 रुपया दिया जाता है और केंद्र सरकार की ओर से 550, और इसलिए जो है रसोईया लोग आज आई हैं दिल्ली में लड़ने, अपनी मांगों को पूरा करने, और वो भी जो है ये एनजीओ के हवाले, वो जो 26 जिला को कर दिया गया है, मात्र 13 जिला ही बाकी हैं जो एनजीओ को नहीं दिया गया है। जहाँ एनजीओ से भी खाना बनवाया जा रहा है, जहाँ उनको 600 रुपये का महीना दिया जा रहा है, अगर इसका भी जांच पड़ताल हो तो एक और भ्रष्टाचार ये मोदी शासन में उजागर होगा। This is a general issues which we are continuously raising, but the immediately this particular program is organized because recently the Prime Minister has announced an increase in honorarium for the Anganwadi workers and also the ASHA workers, but the midday meal workers have been totally, they are the most deprived section, they were neglected. And 2013 Indian Labour Conference, government has given a written assurance that their honorarium will be increased. But in spite of that, they were continuously ignoring. स्कूल में हम 50 पैसा मिल रहा है उसी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले समय समय से धमकी देकर टीचर लोग कहते हैं कि निकाल दिया जाएगा। मास्टर उठा उठा के बहाली किया, नरेंद्र मोदी कोई रास्ता नहीं दिया, अभी तक हम लोग का कोई नियुक्ति पत्र मिलने का कोई संभावना नहीं है। 10 महीने का पैसा मिलता है, वो समय से नहीं मिल पाता है। हम लोग सभी रसोईया बहने में एकता बना लिए हैं, 2015 से जो भाकपा माले के हम लोग नेता हैं उनमें हम लोग जुड़े हैं, उस समय से हम लोग एकता बना लिए हैं। इसलिए दिल्ली में आए हैं, उनको कान खोल के सुनना होगा कि जब तक लोग कुर्सी धरने के पहले हम लोग का न्यूनतम मजदूरी नहीं करते हैं तो हम लोग उनका वोट नहीं देंगे और पेट भर खर्च नहीं मिलेगा तो हम लोग। एक ही मांग है मोटे तौर पर कि मिड डे मील वर्कर्स का 2009 के बाद कोई मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई है, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा वर्कर आंगनबाड़ी के बारे में कुछ बढ़ोतरी की है, लेकिन मिड डे मील वर्कर्स को आज भी देश में 1000 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है, वो भी महीने में 1000 रुपये 10 महीने के लिए। तो प्रमुख बात यह कि वेतन बढ़ोतरी हो, गुजारे लायक वेतन मिले। दूसरी मांग हमारी ये थी कि ये जो मिड डे मील के बारे में 45वां श्रम सम्मेलन हुआ स्कीम वर्कर्स के बारे में, उन्होंने कहा था कि आप जो है न्यूनतम वेतन देंगे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे और कर्मचारी का दर्जा देंगे, वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। मिड डे मील वर्कर की छटनी की जा रही है। 2010 के बाद लगभग 2 लाख मिड डे मील वर्कर का रोजगार जो है वो जा चुका है, अब 25 लाख के करीब मिड डे मील वर्कर्स काम कर रहे हैं अभी इस समय स्कीम में। आज हमारे देश में हमारे मोदी जी कहते हैं कि नारी के पूजा की जाती है, नारी देवी के समान होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, और अपने अधिकार के लिए अगर आगे बढ़ते हैं लोग तो लाठी बरसाते हैं। हमारे झारखंड में 25 तारीख से सितंबर से रसोईया लोग धरना प्रदर्शन की थी, जो 9 अक्टूबर को एकदम बेरहमी से पीटा गया, कपड़ा उतार करके पीटा गया। लेकिन आज हमारे झारखंड में आज जहाँ भी है रसोईया मात्र 40 रुपया में काम कर रही है, मात्र 40 रुपया, एक दिन के हाजिरी 40 रुपया है, और रसोईया लोग को कोई भी तरह के अभी भी 4-5 महीने के पैसा बकाया है। जितना भी रसोईया है, गरीब विधवा ढेर बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमजोर वर्ग के महिलाएं जो काम करती है, और उनको 4-5 महीना से पैसा नहीं दिया जा रहा है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्थिति है कि महिलाएं पर शोषण किया जा रहा है। दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ द एंटायर द न्यूट्रिशन बिजनेस, सो वी आर टोटली अगेंस्ट दैट एंड दिस इज सबोटेजिंग द एंटायर पर्पस ऑफ द स्कीम, सो दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेन इश्यूज राइज्ड।